हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई डॉट कॉम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीना रसोई में आपको बहुत ही पुराने समय की एक यूनिक रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है सनई के फूल। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सनई के फूल कैसे होते हैं। शायद ही बहुत लोगों ने इसको देखा होगा या बनाया होगा। ये देखिए, ये सनई का फूल होता है। ये एक तरह के कली होता है। ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही मिलता है। ये इस तरह से एक फूल होता है। इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। फाइबर से ये भरपूर है। अब ये कैसे बनती है, हम बिल्कुल अपने तरीके से आप इसको बनाकर दिखाएंगे। इसको बढ़िया बनाने के लिए हम किन किन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, आइए वो हम आपको दिखाते हैं। सनई के फूल की सब्जी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम ये सनई का फूल लिया है और हम इसमें इन मसालों का प्रयोग करेंगे। हम गरम मसाला लेंगे एक चम्मच, हल्दी लेंगे एक चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे एक चम्मच और हम चाट मसाला एक चम्मच लेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए। एक चम्मच हम सब्जी मसाला लेंगे, एक चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, एक से डेढ़ चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक हमने डेढ़ चम्मच लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। आधा चम्मच हम हींग लेंगे और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम दो चम्मच चावल का आटा लेंगे। एक प्याज को हमने महीन महीन काट लिया है और इसमें हम बेसन लेंगे। बेसन की हमको जितनी आवश्यकता होगी उतना हम बेसन लेंगे और हम सरसों के तेल में इसको बनाएंगे। ये बेसन की सब्जी है इसलिए हम इसको सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। इसको खूब अच्छी तरह से धो लीजिएगा, फिर एक स्ट्रेनर में रख दीजिएगा। इसमें जो थोड़ी लंबी लंबी डंडियां होती हैं इनको निकाल दीजिएगा। हमने पूरी तरह से इसको साफ कर लिया है, लंबी लंबी डंडियां हम हटा दिएगा। ये देखिए, इस तरह से पूरा इसको हमने क्लीन करके एक स्ट्रेनर में रख दिया था, इसका पानी पूरी तरह से निचोड़ गया है। अब इसमें हम सबसे पहले बेसन डालेंगे। बेसन की हमको जितनी आवश्यकता होगी, जितने में ये सनई के फूल अच्छी तरह से लपेट जाएंगे उतने बेसन का हम प्रयोग करेंगे। आपको जितना फूल लिएगा उस हिसाब से बेसन डालिएगा और इसको मिलाकर देखिएगा। अगर आपका बेसन कम लगे तो आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। एक चम्मच हल्दी डालेंगे, हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। एक चम्मच हल्दी डाला है हमने, दो चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। आप इस जगह तीखा वाला मिर्चा भी डाल सकते हैं और एक चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे। इससे मसाले सब रहते हैं तभी ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा लगता है। एक चम्मच हम सब्जी मसाला डालेंगे और एक चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। हमने ये डेढ़ से दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, अब हम इसको डालेंगे और आधा हींग अभी हम डालेंगे। आधे हींग को हम तड़के में डालेंगे। दो चम्मच ये चावल का आटा डालेंगे। इससे हमारा जो सनई के फूल की सब्जी है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी हम पानी का इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इन सब मसालों को मिलाने के लिए। और इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। पाव भर सनई के फूल में हमारा एक से डेढ़ कप बेसन लगा है और हमने देखिए इतने पानी का, एक कप पानी लिया था, कम से कम 7-8 चम्मच पानी का प्रयोग हुआ है और इसको हमने 10 मिनट के लिए सब मिलाकर रख दिया था, जिससे सारे मसाले अच्छी तरह से सनई के फूल में एब्जॉर्ब हो जाएं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। बेसन और सनई के फूल की सब्जी है तो इसलिए हमने इसमें तेल थोड़ा ज्यादा लगेगा। हमने दो बड़े चम्मच तेल लिया है। अब तेल हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम जो प्याज रखते हैं इसको डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और जो हमने हींग रखी ये लेंगे।
ये सब्जी जो है बनाना भी देखिए कितने आसान तरीके से, घर के सामान से एक यूनिक सब्जी जो आपको ट्राई जरूर करिएगा, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। पराठा के साथ, दाल चावल के साथ ये सब्जी बहुत पसंद आती है सबको। ये एक बहुत ही पुराने समय की रेसिपी है जो आज अब हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। प्याज हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें जो हमने सनई के फूल लपेट के रखे हैं ये डालेंगे। आंच को थोड़ा धीमा कर दीजिए और धीमी आंच पर इसको पलट पलट कर अच्छी तरह से भूनिए। देखिए हमारी, हमने इसको 2 मिनट खूब अच्छी तरह से भून लिया है। सनई की सब्जी बनाने में देखिए बहुत कम समय लगता है और बनाना आसान भी है, लेकिन जब सनई के फूल आप लाइए तो उसको अच्छी तरह से साफ करिए, क्योंकि उसके अंदर जो हरी हरी घास होती हैं और डंडियां जो होती हैं उनको तोड़ना होता है। आधी से ज़्यादा ये सब्जी हमारी बन चुकी है, अब इसको कवर करके हम 2 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है, इसको अब हम एक बाउल में करेंगे। 2 मिनट हमने इसको ढककर पकाया था, मुश्किल से बनने में हमको 5 से 7 मिनट लगे हैं। बस तैयारी करने में जो समय लगता है, इस सनई के फूल की सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये बहुत पुराने समय की रेसिपी है जो आज हमने आपके साथ शेयर करी है, इसको आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्यारे प्यारे अपने सुझाव हमको दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ये सब्जी पराठा रोटी और दाल चावल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।